अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ज़ोरा डेली व्लॉग। आज मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ ग्लॉसी स्किन शाइनिंग फेस मास्क, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बना रहे हैं। बट ये मास्क चाइना में तो बहुत देर से पहुँच रहा है। हमारी बड़ी अम्मियाँ और हमारे घर के जो पहले ख़वातीन हैं, जो मतलब केमिकल से दूर रहना पसंद करती हैं, वो इसको बहुत देर से यूज़ कर रही हैं। बस उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसको बनाने का और बताने का तरीकाकार में एक डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले एक बड़ा खाने का चम्मच दूध, मतलब इसे समझ लें कि एक मॉडिफाइड किस्म का उपटन है जो मैं इस वक्त बनाने लगी हूँ आपके सामने। और साथ में एक बड़ा खाने का चम्मच है बेसन का और एक अंडा। इसकी हम सिर्फ अंडे की जर्दी यूज़ करेंगे, यानी कि एग योक। जस्ट 3 आइटम्स का ये मास्क है और क्लेम ये है कि स्किन के ऊपर एक शाइनी सी ग्लोसी सी लुक लेके आता है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, फिर आफ्टर एंड बिफोर की मैं हाफ फेस की पिक्चर शेयर करूँगी कि किस कदर हमारे चेहरे पे लुक आती है। तो स्टार्ट करते हैं। दूध का एक बड़े खाने का चम्मच है जिसमें मैं एक एग योक डालने लगी हूँ आपके सामने, और फिर ये बेसन भी शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं मैंने योक को अलग कर लिया, ये मैं इसके आपके सामने इसको ऐड करने लगी। कोई इसके अंदर मैंने और चीज़ इसके साथ शामिल नहीं करनी। पहले मैं इसको स्पून की मदद से योग को बीट करूँगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि लम्स ना बने। लम्स बन जाते हैं तो वो फिर फेस के ऊपर एक ना एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है। ये बड़ा खाने का एक चम्मच इस बेसन का था जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से एक पेस्ट माँ बन जाती है इसकी बिल्कुल। कोई मैं इसके अंदर ऑयल या कोई भी मैं अदर प्रोडक्ट नहीं शामिल करूँगी, वो विटामिन सी वगैरह या कोई भी चीज़। जैसे ही ऑथेंटिक बनता है वैसे मैं इसको शामिल करूँगी। अच्छा, इसके अंदर खुश्क दूध भी शामिल होता है, बट मैं खुश्क दूध की बजाय मैंने फ्रेश मिल्क को इसलिए प्रेफर किया है कि जो इसकी एक्चुअल बनाने का तरीकाकार है ना, वो ये है। खुश्क दूध कई लोगों के पास नहीं अवेलेबल होता, उनको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, या वो इस तरह की जगह पर रह रहे होते हैं, या उनको सोर्स नहीं होता, या अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो ताज़ा दूध जो हमारे घर का है, बगैर बलाई के अंडा और जर्दी, अंडे की जर्दी और बेसन, इसको हम लगाएंगे 25 मिनट अपने फेस पे और फिर इसको करेंगे हम रिमूव। अच्छा, जब हम इसको रिमूव करना है, रिमूव करने से पहले हम इसके गीले हाथों की मदद से अपने चेहरे पे हल्का सा इसका मसाज करेंगे ताकि ये रिमूव करने में आसानी हो जाए। फेस हम अच्छे तरीके से वॉश करके बिल्कुल अपने चेहरे को साबुन के साथ धो के, अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है तो साबुन के साथ धो के इसको हम लगाएंगे, और अगर आपके पास फेस वॉश है तो अच्छे तरीके से फेस वॉश से क्लीन करके टॉवल की या जो आपका नैपकिन है उसकी मदद से आप अपना पोर्स का एरिया, जो चिन है, नोज़ और चीक्स हैं, उनको नीट करके इसकी एप्लीकेशन करें। कमाल का इसका रिजल्ट है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगी अभी आपके साथ पिक्चर में।